तो भाई जो मेरा नहीं भाई, लड़ाकू प्लीज विमान, मान देखो मत लो जूते मेरे वगैरह मेरे पसंद को कर रहे मान अपने, मत लो ऐसे ये आदमी इस लायक है नहीं। भैया, कर दो भाई, मेरे को भेजो प्लीज। तो ये नया भी है ये जूते पसंद किए, ना, नया और पीस इन जूतों का प्राइस बताओ आपको 8,000 में समझ में आ रहा है। कितना है? 8,000 में समझ में आ रहा है। शक्ल नहीं है वैसे आपकी। यार जल्दी पसंद कर लो, जाना नहीं है क्या वहाँ? ये पसंद है तो इसमें साइज देख लो, खत्म बात हो। वाइट में वैसे ये भी सुंदर लुक दे रहा है, देख लो वाइट में ये भी अच्छी लुक नहीं दे रहा? ये दोनों नमाज है वाइट में। तो ये तो मैं आपको बोल ही रही हूँ मुझे पसंद है ये वाला, वाइट वाइट दो ले लो, पागल है हम, दिमाग खराब है। सेम सेम, हाँ ऊपर सेम, दोनों ही सेम है, क्या डिफरेंस है इनमें भाई? आपका दिमाग खराब है रहीस इंसान। चेहरे पे लगी नूर। मिठू का कॉल आ रहा है। तभी बच्चों के लिए ले लिया ये, और 5,000 की चट्टी लगवा ली मैंने अपने, और जबकि इस इंसान ने मेरे साथ बहुत गंदी लड़ाई करी आज। अम्मा बदल बदल के जूते पैर में थोड़ी ले लिया, आज खरीदी। इनको जूतों का ही शौक है बस, जूता और एक आजकल बहम चढ़ा हुआ है चश्मे का। कितने जूते मिलेंगे? रुक जाओ, हाँ पता है कितने जूते मिलेंगे। एक एक वुडलैंड का दिला था, वो भी मैंने दिलाया था, इस आदमी की शक्ल नहीं है लेने की। ग्राउंड में फट जाते हैं। और आज के बाद मत कह देना मैं तेरे साथ इवेंट में जाता हूँ तो मैं फ्री में आता हूँ और तू मेरा कुछ नहीं करती है। मैं तो ये मेरे से लड़ाई करता है ना तो मैं उस टाइम तो भूल जाती हूँ। अब याद आया, एक बात बताओ, आप कह रहे तू मेरा कुछ नहीं करती, वुडलैंड के जूते किसने दिलाए थे? कौन सा? वुडलैंड के तने। फिर हाँ तो फिर मैं कहते तो मेरे पे नहीं खर्चती। इतना भारी हार पे पूरे गांव के जूते आ जाए, गांव की सारी बहुओं के सैंडल आ जाए। हार कौन सा हार दिलाया था? इस बार वाला हार दिलाया था? एक हार में सारे गांव की बहू सैंडल पहन ले, बदल बदल पहनेगी। मारूंगी घसंड, झूठा, मैंने ये दिलाया ये दिलाया। मैं तो भूल जाती लड़ाई के टाइम पे। भोली मिल गई मैं, अभी याद आया मेरे। 3.5 लाख का था, 3.5 लाख में एक हफ्ता बदल बदल अपना कान करो, सीधा गाड़ी घुमा सारी पिटे हो गए फालतू। अरे देख देखो ना क्या दिख रहा है ऊपर, कुछ नहीं साफ देख, एक ना दिख कुछ, इसी ने शीशा लगाया, देख सके लोग बोले ना, देखो जब भी उतार दिए गाने है ना, तो भी कितना खतरनाक रास्ता है। अब अच्छे रास्ते बाद एक भालू जैसी शक्ल देख लो, कोई बात नहीं, ये खुलती सीधा मिल जाओगा। बहुत तगड़ा नक्शा बनाया भाई, मान के। वाओ! एक ना अभी मैं आज के व्लॉग का, जो मतलब इससे पहले व्लॉग है, उस व्लॉग के कमेंट्स पढ़ रही थी, तो बहुत सारी लोग लड़कियां हैं जो मुझसे रिलेट कर रही थी, और एक कमेंट बड़ा खतरनाक था, मतलब अच्छा था, जेन्युइन था, बहुत प्यार से उन्होंने लिखा था, लेकिन कुछ हेटर्स होते वो भी ऐसा कुछ कमेंट करते हैं। तो अभी फोन आ गया था, तो आप लोगों का ये सवाल रहता ज्यादातर कुछ हेटर्स का भी, और अभी जो रिसेंट आया है वो तो भाई बहुत आराम से उन्होंने बोला कि आप तो चलो सेपरेट रहते हो। तो देखो सेपरेट इन द सेंस, हम लोगों का खाना पीना आज भी एक ही जगह है, ठीक है, मम्मी के घर पे ही खाना खाया जाता है। मैं तो चलो मोस्टली डाइट पे रहती हूँ तो मैं नहीं खाती हूँ, मेरे हस्बैंड परी वहीं पर ही खाना खाते हैं, ठीक है। तो देवरानी, मेरी सासू माँ सब वहीं पर रहते हैं, वहीं पर ही खाना वगैरह बनता है। तो हर किसी की इच्छा होती है कि जब दो बेटे होते हैं या जो भी लड़का या लड़की बड़े होते हैं तो उनका होता है अपना खुद का घर हो। जैसे मेरे ससुर हैं, मेरे ससुर भी किसी के बेटे थे लेकिन उन्होंने अपना घर बनाया, उसमें वो रहे, ठीक है। तो वैसे ही मेरे हस्बैंड का था कि हमारा घर हो। मेरे हस्बैंड कैंसर पेशेंट है, आप सबको पता है। तो उस इंसान के दिमाग में हमेशा से ये चल रहा था कि खुद, मतलब भगवान ना चाहे कुछ भी ऊपर नीचे हो, लेकिन एटलीस्ट मैं अपने बच्चों के सर पे छत दे के जाऊं, समझ लो। वो घर हमारा बहुत पुराना हो चुका है, उस घर में जो पुराना घर आप लोग देखते हो वीडियोस में, बहुत पुराना हो चुका है, ठीक है। तो कल को मेरा देवर अपना घर बनाएगा भाई, हम लोगों को भी अपना घर बनाना था। तो मेरे हस्बैंड के दिमाग में बहुत चीजें चलती रहती थी, तब हम लोगों ने डिसाइड किया था, मतलब जिद मेरे हस्बैंड को ज्यादा थी कि हम अपना घर बनाएंगे। प्लॉट तो था ही, हमारा बजट भी था, तो हमने घर बना लिया।
ठीक है, और हम कोई नहीं होते हैं सास ससुर से अलग रहने वाले या सास ससुर को कुछ भी बोलने वाले। सीधी सी बात है, जब ये घर बना तो उनकी अपनी पूरी इच्छा थी, चाहे वो यहाँ रहे चाहे वो वहीं पर रहे, उन्होंने डिसाइड किया था कि वो वहीं पर रहेंगे क्योंकि वो मेरे ससुर ने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया था, उनका वहीं मन लगता है, उनका यहाँ मन नहीं लगता है। ठीक है, तो उस टाइम जब बात चली थी उन्होंने कहा नहीं हम तो अपना यहीं रहेंगे भाई। ठीक है भाई, आप लोगों की मर्जी, आप लोगों को जैसा अच्छा लगे, हम लोगों का खाना पीना वही है, सब एक ही बात है, बस ये बात है एक तरीके से कि सोना हमारा यहाँ का है उनका वहाँ का है। ठीक है, अब कल को मेरा देवर अपना घर बनाएगा, दो भाई हैं दोनों अपना अपना घर बनाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम अलग रहते हो। ये नेगेटिविटी है, नेगेटिव सोच है लोगों की, आप चाहे उसको न्यारा बोल दो, मेरे सास ससुर से न्यारा मतलब मेरे डेफिनेशन में न्यारा होना मतलब सेपरेट होना इज लाइक कि सास ससुर से लड़ाई करके बोलचाल बंद करके आप अपना अलग कहीं रह रहे हो और वो कहीं अलग रह रहे हो, आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है उनसे। लेकिन देखो मेरा एक सीधा सा मानना है, अगर आपके दो बेटे हैं तो दो बेटे अपना अपना घर बनाएंगे ही बनाएंगे, माता पिता के ऊपर है कि वो किस बेटे के साथ रहना चाहते हैं, कहाँ उनका मन लगता है, वरना कभी भी कोई भी बेटा ये नहीं कहता मैं तो तुम्हारे माँ बाप को नहीं रखूंगा ऐसा कुछ। और हम लोगों को कोई हैसियत भी नहीं है जो माँ बाप को ये बोले कि हम नहीं रखेंगे आप, उनका अपना घर है, जहाँ उनका मन लगता है वो वहाँ पर रहें। ठीक है, अभी अब मेरा देवर का भी घर बनने वाला है अगले साल, तो वो पूरा एकदम अच्छे से बन जाएगा। इकलौता बेटा होता है तो ऑब्वियस ही बात है सब एक साथ रहते हैं सबका, हमें ये प्लॉट मिला, हमने यहाँ पर अपना मकान बना लिया, हमारे पास हमारा बजट था सबसे बड़ी बात उस टाइम, तो हमें लगा कि हम बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, परी के पापा के दिमाग में थोड़ा सा चलता रहता था कि मैं अभी मतलब एक तरीके से मौत के मुँह से निकल के आया हूँ, पता नहीं फ्यूचर क्या हो क्या ना हो, तो उस तरीके से ये घर बना था और कोई रीज़न नहीं है। तो इस चीज़ को नेगेटिव मत लिया करो। और देखो मेरा एक मानना है, परिवार परिवार ही होता है, अपने लोग अपने ही होते हैं, अब चाहे लड़ भिड़ कर रहो चाहे प्यार प्रेम प्रीत से रहो, मेरा मानना है कि आपके परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं अपने परिवार में बहुत खुश रहती हूँ, मैं हमेशा चाहती हूँ कि अपने परिवार के बीच में रहो, अच्छे से रहो, प्यार प्रेम से रहो, कोई ईर्ष्या भाव जलन भाव मत रखो, क्योंकि अगर इंसान अपने परिवार से ही ईर्ष्या भाव और जलन रखने लगेगा या लड़ भिड़ कर अलग रहने लगेगा तो कौन आपके काम आएगा। ठीक है, तो मैं हमेशा सबके साथ, और सबसे बड़ी बात, मुझे कुछ बुरा लगता है मैं डांट देती हूँ या फिर मैं बोल देती हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था या ऐसा होना चाहिए था या ये क्यों कह रहा, चाहे वो मेरा देवर हो चाहे वो मेरी सासू माँ हो, मेरे मन में जब भी कुछ होता है मैं कभी कालापन नहीं रखती हूँ, मैं सीधा मुंह पे बोलती हूँ, बात ख़त्म करती हूँ। और देखो जिस घर में आप रहोगे वहाँ पर प्यार भी होगा, थोड़े बहुत ताना घसी भी होगी, हर चीज़ रहती है। तो बस ये एक मेरा ओपिनियन था, आई होप आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। आज के बाद मैं बोलना मैं सेपरेट बार बार ट्रीटमेंट लेना, लोगों को ये मोस्टली बोलते हैं कि उनको रिमूव करवा लेना, नहीं तो मैं करना है पड़ो मुझको नहीं आप ना मतलब इनको छेड़ना भी मत, जैसे आप फेस वैक्सीन कराने लगोगे तो भी प्रॉब्लम है। और आप अगर कई होगी देखते हो इतना ज्यादा, हां मेरे को चिन पे दो तीन है, मैं बेशक वो रिमूव करवाती हूं, जैसे ब्लैक आ रहा था वो भी आने शुरू हो जाते हैं। नहीं, इससे पता है ग्रोथ आती है, आप जितना इनको छेड़ोगे ना उतना हो गई। और आजकल देख पीसीओडी पीसीओएस ये और बॉडी में इसकी वजह से तो और हेलो एवरीवन, देखो मैं भूत बन के बैठ गई तो आचल आई है मेरे पास और बहुत ही अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो आज मैंने सोचा कि अपने चेहरे को थोड़ा सा बदलवा लूं, मैं क्या बता मैं भी सुंदर लगूं। तो आफ्टर बिफोर वाला आप देख लो, ये बिफोर का है, उसके बाद मैं कैसी दिखूंगी मम्मी जब भी ये लगाते हैं तो स्माइल क्यों करनी होती है? ताकि ये अच्छे से लगे। आपके पास आ जाते हैं मिठाई। ताकि जब जब मम्मा आपकी स्माइल करे ना, हाँ, तो ये हाईलाइट हो। इस वक्त कैमरे पर मेरे को बेटा कुछ लगा हुआ दिख रहा है, ठीक आ रही है वीडियो? हाँ। अच्छा। आपने लेंसेस पहन रखे हैं इसलिए दिख रहा है। तो अगर आप लोग भी अभी देख लेना मेरा मेकअप कैसा लगता है आप लोगों को, डेफिनेटली बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने इनका पेज देखा है तो
बहुत अच्छा लगा मुझे इनका मेकअप, तो अभी आप लोग मेरा भी मेकअप देखना, और अगर आप लोगों को पसंद आता है तो डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आने वाला है, तो आप इनको बुक कर सकते हो। इनका कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी। मम्मी एक बार स्माइल करना, जो मेरे उससे आएगा रेफरेंस से कोई तो डिस्काउंट मिलेगा ना उसको? हाँ पक्का मिलेगा। हाँ तो आपको देखो डिस्काउंट मिलेगा अच्छे खासे में, घर के घर में मेकअप किसी पार्लर में जाना नहीं और डिस्काउंट भी मिल रहा है। थैंक्स मी लेटर इन द कमेंट सेक्शन। मम्मी एक बार स्माइल करना आपके डिम्पल। अभी अभी तो मैं ये प्रोसेस है, देखो ऐसा होता है कि इंसान जैसे एक होता है ना घड़ा बनता है, तो उसको पीट पीट के अच्छा बनाया जाता है। नहीं मेकअप का कुछ प्रोसेस, आपके पास डिम्पल नहीं, मेरे पास डिम्पल है। है तो मेरे पास भी नहीं, तो मैं खुद एक्साइटेड हूँ देखने के लिए अपना लुक। मैं तो आपसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर में ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बस बेटा, इन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छा मेकअप किया, कॉल आ गई थी इसलिए कट गया। बार बार कॉल आ जाती है जब भी मैं ब्लॉग करती हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को भी मेकअप करवाएं तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगी, क्योंकि इतना अच्छा बेस बहुत ही कम लोग बनाते हैं, तो बनाते हैं बोलती हूँ लगाते हैं। तो मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगी और इनकी आईडी भी मेंशन कर दूंगी। आप प्लीज़ एक चांस ज़रूर इनको देना, और मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर इनसे मेकअप करो क्योंकि आपको बहुत पसंद आने वाला है। परी का परी आपकी स्कर्ट बोल रही थी लाने सर देखा माँ पहचान है ना पहचान है? अच्छा अपनी माँ, और क्या माँ तो जानती होगी ना। कौन है? इनके सुखवीर की बाण, सुखवीर अजीत बाहर साइड करे। अभी मैंने एक वीडियो में भी तो डाली थी, फुटेज बैठ के मेरी सास की ऑलरेडी है। हां मैं देखी ना, देखिए देखिए मैं जान को। अच्छा बस जान बस ना जान को। अभी ऐसा की बना दो, ऐ पूजा बना आजा। सो फाइनली प्रोग्राम से हम आ गए हैं। प्रोग्राम में मैंने व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि जैसा आप लोगों को पता, मैं थोड़ा बहुत ये सोचती हूँ कि कोई भाई कैमरा शाय हो या कोई ना चाहता हो कि हम कैमरे में आए। और लास्ट में दी और मौसी जी थी जो वीडियो में आई है और मैंने उनका शूट किया है। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और ये मेकअप आप लोगों को कैसा लगा? देखो कैमरा में मुझे नहीं पता कैसा आ रहा है, पर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और मेकअप है यार, थोड़ा बहुत फेस का लोग बोलते हैं कि आप पे मेकअप अच्छा नहीं लगता है, आप मेकअप मत करवाया करो, फलाना फलाना ऐसे करके। तो देखो कभी कभी अच्छा लगता है, मेकअप करवाना चाहिए फंक्शन ओकेजन पे। अगर आप एक लहंगा डाल रहे हो या एक हैवी आउटफिट डाल रहे हो तो मेकअप करवाना चाहिए, और मेकअप अच्छा लगता है। मैं आपको क्लोजअप देती हूँ, देखो कितना ग्लॉसी और शाइनी मेकअप है, और कोई फिल्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है। कई मेकअप ऐसे थे केकी से, और देखो आई मेकअप कितना प्यारा है, देखो। तो बहुत ही ज्यादा प्यारा, और मैंने देखो पूरा जूम करके आपको दिखाया है, स्किन पे बिल्कुल भी अजीब मेकअप नहीं है। कई स्किन पे इतना अजीब सा अजीब बहुत थोपा थोपा सा लगता है। तो मुझे इनका मेकअप बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों को भी करवाना है तो मैंने नंबर दे दिया है, आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे नाम से आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, और शादी फंक्शन तो आई है, अपना घर बैठे बैठे अच्छा सा मेकअप करवाओ। और आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और ये और देख लो मेरे पति देव जी कर रहे दिखाओ। बाय बाय एवरीवन।